हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। ओके, तो ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट टॉपिक जहाँ पे हमने कल खत्म किया था। कल हम लोगों ने देखा था कि रेडिएशन से स्टार्ट किया था एक्चुअली, और रेडिएशन में देखा था कि बॉडी पे जो हीट गिरती है वो रिफ्लेक्ट कर सकती है या बॉडी से एब्जॉर्ब कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है। डिपेंडिंग ऑन दैट वी हैव थ्री काइंड ऑफ पावर, रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर एंड ट्रांसमिटिव पावर। तीनों का जो सम आएगा आपका वो वन आएगा, आर प्लस ए प्लस टी जो है उनका सम आपका वन आएगा। ठीक है, ये हमने देखा रेडिएशन में ऐसा होता है। ठीक है, अब हमें आगे देखना है रेडिएशन में कि आगे हमारे कौन कौन से लॉ हैं जो रेडिएशन की प्रॉपर्टी को गवर्न करते हैं, रेडिएशन जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और बॉडी की किस किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे हमें देखना है। अब तक हमने कंडक्शन पढ़ा था, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडिएशन, राइट। ओके, तो अच्छा, ब्लैक बॉडी अगर मान लो होगी इसमें तो उसकी कौन सी पावर ज्यादा होगी इस केस में? इफ यू हैव द ब्लैक बॉडी, सर सर एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग उसकी एब्जॉर्बिंग एब्जॉर्बिंग पावर ज्यादा होगी, कितना वैल्यू आएगा उसका? वन वन आएगा, वो सारे का सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। उसका जो बाकी है वो खत्म हो जाएगा, तो सारे का सारा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो व्हेन यू हैव द ब्लैक बॉडी इन दैट केस योर एब्जॉर्प्टिव पावर कम टू बी वन। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे उसको कि उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर वन आएगी। ठीक है, मान लो एक ब्लैक बॉडी है और एक कॉमन बॉडी है, तो एब्जॉर्प्टिव पावर किसकी ज्यादा होगी? ओके, ब्लैक बॉडी दोनों मान लो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, रूम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, तो दोनों से रेडिएशन निकल रहा होगा। यस सर। ओके, अच्छा चलो कुछ और पहले पावर डिफाइन कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। जो आपके रेडिएशन निकल रहे होते हैं उनकी जो वेवलेंथ होगी, अगर आपने उस बॉडी को रूम पे रखा है तो उनका रेडिएशन निकल रहे होंगे, और उन रेडिएशन की जो है अपनी एक वेवलेंथ होगी जिसमें वो रेडिएशन निकल रहे होंगे। तो अगर आप देखो तो आपकी जो एक बॉडी होगी उससे ऑल वेवलेंथ के रेडिएशन निकलेंगे, ऑल वेवलेंथ के रेडिएशन निकलेंगे। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ बनाना चाहोगे बॉडी का डिफरेंट वेवलेंथ के लिए तो ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ। अगर आप ग्राफ बनाना चाहोगे तो यू विल से दैट दिस इज योर ई लैम्डा एंड दिस इज योर लैम्डा। एनर्जी जो है डिफरेंट लैम्डा के लिए आप देखोगे तो ये किस सब लैम्डा के लिए एनर्जी होगी, और कुछ ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मींस इस लैम्डा के लिए भी कुछ एनर्जी निकलेगी, इस लैम्डा के लिए भी कुछ एनर्जी, इस लैम्डा के लिए कुछ एनर्जी, इस लैम्डा के लिए, और एक लैम्डा ऐसा आएगा जिसके लिए मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी। फिर उसके बाद दोबारा ये ग्राफ डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एक ऐसा ग्राफ जो है पहले भी देखा होगा, जब आपने गैसीय स्टेट वगैरह देखी होंगी तो आपके जो कोई मॉलिक्यूल होते हैं उसमें अलग अलग किसी की एनर्जी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो आपने वहां पे वैसा ग्राफ देखा होगा। देखा है आप लोगों ने ऐसा ग्राफ? यस नहीं, ब्लैक बॉडी में देखा ही है, वहां पे देखा है आपने गैस गैसेस स्टेट वगैरह में जब देखते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल, ऐसा ग्राफ बनता है वहां भी? और सर कहीं भी देखा होगा आपने? यस और सर कहीं भी देखा है ऐसा? ओके, और कहीं भी देखा है ऐसा ग्राफ? नहीं देखा है, चलो कोई बात नहीं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी ऐसा ग्राफ बनता है आपका। तो मान लो मुझे एनर्जी निकालनी है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी निकालनी है, इस वेवलेंथ पे कितनी एनर्जी निकल रही है। अच्छा, मान लो टोटल एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालूंगा मैं इसकी? टोटल एनर्जी अगर निकालनी तो कैसे निकालूंगा पहले? अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग एनर्जी निकल रही है ना, ज्यादा यहाँ इतनी निकल रही है, इतनी निकल रही है, टोटल निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? एरिया कर्व, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन या फिर एरिया ऑफ द कर्व। तो अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूंगा तो उसका एरिया निकाल लूंगा टोटल,
एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ द कर्व आ जाएगा। अब मान लो मुझे टोटल एनर्जी निकालनी, मुझे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी निकालनी है कि इस वेवलेंथ पे कितनी एनर्जी निकल रही है, तो इसके वेवलेंथ जो होगी इसके, इसमें कोई एरिया तो होगा नहीं वेवलेंथ का, तो मुझे कुछ पॉइंट लेने पड़ेंगे इसके इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तब जाके मैं एक स्ट्रिप बनाऊंगा और फिर उसका एरिया आएगा, ऐसे होता है ना। यस सर। आप लोगों ने एरिया वगैरह पढ़ लिया अभी, अभी 12th में आएगा आपका, अभी नहीं पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, निकालना इंटीग्रेशन वगैरह निकाल लिया है एरिया वगैरह। 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा लेकिन फिजिक्स में पढ़ाया था। अच्छा फिजिक्स में पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत, ओके यूज किया होगा ना वहाँ पे। तो एरिया ऑफ द कर्व वैसे स्ट्रिप बना के निकालूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी, अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ पे निकालना है तो उस वेवलेंथ पे मान लो कोई वेवलेंथ है आपकी 6870 एंगस्ट्रॉम, इस पे बोला कि निकालो आप, तो मैं इस वेवलेंथ पे एक एंगस्ट्रॉम का विड्थ ले लूँगा और उस पे निकालूंगा, तो उस पे जो भी मेरी एनर्जी आएगी इस एरिया की, उसको मैं बोलूँगा कि ये इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एनर्जी एमिटेड है, उसको मैं बोलूँगा इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एनर्जी एमिटेड है। तो मैं लैम्डा से इस तरफ को और इस तरफ को, इस तरफ को माइनस हाफ और इस तरफ को प्लस हाफ एंगस्ट्रॉम ले लूँगा, जितनी विड्थ बनेगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एरिया आएगा मैं बोलूँगा कि वो उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी है। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये क्लियर हुआ? सर एक एग्जांपल दो इसमें। एग्जांपल तो इसका मैंने कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मैं ये बोलूँगा मान लो ये आपका कर्व है और ये वेवलेंथ थी आपकी, तो मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एनर्जी निकालो, तो ये वेवलेंथ तो एक पॉइंट है ना। जब मैं एनर्जी निकालता हूँ मुझे एरिया चाहिए होता है, एरिया है, मुझे लेंथ भी चाहिए, मैंने हाइट भी चाहिए और विड्थ भी चाहिए, तो हाइट तो चलो ये है यहाँ पे, हाइट तो आ जाएगी लेकिन विड्थ कहाँ से आएगी इस लैम्ब्डा पे, विड्थ तो आएगी नहीं। तो विड्थ लाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने आधा एंगस्ट्रॉम इस साइड और आधा एंगस्ट्रॉम इस साइड दो पॉइंट बना लिए और मैंने इसकी एनर्जी निकाली टोटल, तो मैं जो भी एनर्जी आएगी मैं बोलूंगा कि इस वेवलेंथ की एनर्जी इतनी है, ठीक। ऐसे किसी और वेवलेंथ की पूछोगे तो वहां भी ऐसे करूंगा मैं। क्लियर? ओके। तो ये ये आपने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी निकाली है, पर्टिकुलर वेवलेंथ की, ठीक है सर। बहुत सारी वेवलेंथ हैं, बहुत सारे कलर हैं, कलर हैं या बहुत सारी एनर्जी हैं अलग अलग, कुछ विजिबल भी हो सकते हैं कुछ इनविजिबल भी हो सकते हैं। तो अभी आपने जो निकाला है दिस इज फॉर अ सिंगल वेवलेंथ, वी से दिस इज अ फॉर मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक माने सिंगल कलर, मोनोक्रोमेटिक इमिटेंस, इमिटेंस पावर और वी से इमिसिव पावर, इमिसिविटी अलग थी, इमिसिव पावर है अभी जो बात चल रही है, ठीक है, इमिसिव पावर। तो ये जो होता है एक पर्टिकुलर लैम्डा के लिए होता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए होता है, और इसमें हम क्या लेते हैं, ये हमारी एनर्जी पर यूनिट टाइम है एक्चुअली, है ना, तो इसे पावर बोल रहे हैं, इसलिए हम एनर्जी पर यूनिट टाइम और पर यूनिट सरफेस। एक्चुअली आपकी एनर्जी होती है ना बॉडी की, आप देखोगे भी उसके सरफेस पे डिपेंड करेगी, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, कितना निकालता है वो, टाइम पे तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगी एनर्जी। तो ये जो है ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड या एमिटेड बोलो, अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, एरिया किसका, बॉडी का एरिया, इसके ग्राफ का एरिया की बात नहीं कर रहा मैं, एरिया ऑफ बॉडी, पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी विद इन, विद इन यूनिट वेवलेंथ अराउंड लैम्डा, यूनिट वेवलेंथ अराउंड लैम्डा मतलब माइनस हाफ से प्लस हाफ, तो एक एक एंगस्ट्रॉम हो गया ना, यूनिट वेवलेंथ अराउंड लैम्डा, अराउंड लैम्डा, है
ना, दैट इज बिटवीन लैम्डा माइनस हाफ से लैम्डा प्लस हाफ, इसको हम बोलते हैं इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए इमिसिव पावर, इसे हम ई लैम्डा से डिफाइन करते हैं, इमिसिव पावर एट अ पर्टिकुलर लैम्डा, इसे हम बोलते हैं ई लैम्डा, ठीक है। एक होती है आपकी टोटल इमिसिव पावर, टोटल क्या होगी अगर आप सारा एरिया निकाल लोगे इसका, तो टोटल इमिसिव पावर हो जाएगी, टोटल इमिसिव पावर, तो वो आपका जो है टोटल इमिसिव पावर जो होगी वो टोटल आपकी जो होगी एनर्जी होगी हर वेवलेंथ के लिए, लेकिन ये भी पर यूनिट एरिया होगी ऑफ बॉडी और पर यूनिट टाइम, बट फॉर ऑल वेवलेंथ, ठीक है। तो ये जो है इस ग्राफ का एरिया आ जाएगा एक्चुअली, अगर आप एरिया निकालोगे इसका तो वो आएगा, दिस इज नोन एज इमिसिव पावर। तो यहाँ पे केवल हम ई लिखते हैं, ई लैम्डा नहीं लिखते, ई लिखते हैं, ई लैम्डा नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये जो होगा ई विल बी इक्वल टू जो आएगा आपका वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा जो आपने ऊपर ई लैम्डा लिखा था इंटू डी लैम्डा, यानी ये एरिया गया छोटा स्ट्रिप का एरिया, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे जीरो से इन्फिनिटी तो इस ग्राफ का एरिया आ जाएगा टोटल, तो वही क्या होगा हमारा टोटल इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी, टोटल इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी, ये था आपका मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर। आई थिंक ये क्लियर हो गया दोनों पॉइंट। यस सर। ओके, अब जो इमिसिव पावर है आप कह रहे हैं कि ब्लैक बॉडी की ज्यादा होती है ना, तो ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर ज्यादा होगी, तो एक हम फैक्टर और डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इमिसिविटी, ये कुछ नहीं होता, ये ब्लैक बॉडी और इस बॉडी का रेशो होता है इमिसिविटी, ये क्या होता है रेशो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी जो भी आपने ई निकाला था डिवाइड बाय इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, दिस इज द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, इसका अगर आप रेशो निकालोगे तो ये आप का क्या आएगा, लेस देन बनाएगा मोर देन बनाएगा, लेस देन बनाएगा, ठीक है। इसमें कंडीशन है कि दोनों का आपका वो सेम होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, मैंने जो बाकी कंडीशन है वो सेम होना चाहिए तभी जाके आप कंपेयर कर पाओगे, तो ये जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो सकता है, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो दोनों का डिफरेंट हो जाएगा फिर, तो ये जो है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर, तो इसको हम एप्सिलॉन से शो करते हैं, इमिसिविटी एप्सिलॉन इक्वल टू टोटल इमिसिव पावर और डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ये होता है आपका इमिसिव पावर, ठीक है। ऐसी आपकी एक होती है एब्जॉर्प्टिव पावर, और एब्जॉर्प्टिव पावर भी अब डिपेंड करती है कौन सी वेवलेंथ के लिए आप निकाल लो, तो ये भी दो तरह से हो सकती है, मोनोक्रोमेटिक हो सकती है या फिर टोटल हो सकती है, तो डेफिनेशन तो आप लिखे लोगे इसकी, मोनोक्रोमेटिक अगर है, क्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिव पावर, मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिव पावर, इसका जो सिंबल है वो ए लैम्डा है, ए लैम्डा, तो मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है, बॉडी पे अगर कोई रेडिएशन गिर रहा है तो वो कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है उसे, उसे बोलते हैं उसकी मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिव पावर, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी है, तो उसमें भी वही करोगे लैम्डा माइनस हाफ से लैम्डा प्लस हाफ तक लोगे, कितना ये एब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो उसको हम उसकी बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिव पावर, ये भी पर यूनिट एरिया होगी, पर यूनिट टाइम होगी, ठीक है। तो ये सब बेसिक कुछ टर्म्स हैं, इनको हमें ध्यान रखना है, एब्जॉर्प्टिव पावर, इमिसिव पावर, इन सबको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको पता है कि ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर ज़्यादा होता है, ठीक है, ये हमने देख चुके हैं ऑलरेडी।
अब देखो इसमें कुछ लॉ हैं जो कि हमारे रेडिएशन को गवर्न करते हैं, तो हमें देखना है कौन कौन से लॉ ऐसे हैं जिससे हम रेडिएशन का कुछ आइडिया निकाल सकते हैं कि रेडिएशन कितना होगा, कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी आपको पता है, ब्लैक बॉडी तो पहले पता ही आपको कि जो ब्लैक बॉडी होती है क्या होती है, वो ऐसी बॉडी होती है जो कि उस पर रेडिएशन जो गिरते हैं सबको एब्जॉर्ब कर लेती है कम्प्लीटली, उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ब्लैक बॉडी का कोई एग्जाम्पल तो है नहीं, लेकिन कुछ कुछ बॉडियाँ लगभग ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करती हैं, तो 100% तो कोई अब्जॉर्व नहीं करता, लेकिन कुछ बॉडी होती है लगभग ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करती है। ठीक है, और अगर कोई बॉडी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है तो वो क्या करेगी, रेडिएशन भी ज़्यादा करेगी फिर। Yes, sir. है ना, मान लो कोई दो बॉडी पड़ी थी, एक बॉडी ये है एक ये है। Yes, sir. दोनों पे बराबर एनर्जी गिर रही है, अगर मान लो डायमेंशन दोनों की सेम है, सब कुछ सेम है, और बाहर का रूम टेम्परेचर सेम है, तो इन पे बराबर एनर्जी गिरेगी दोनों पे, जितनी इस पे गिरेगी उतनी इस पे भी गिरेगी। अब मान लो ये जो एनर्जी गिर रही है ये मान लो 4 वॉट है, 4 जूल पर सेकंड गिर रही है, इस पे भी 4 वॉट गिर रही है, ये ब्लैक बॉडी है, ये नॉर्मल बॉडी है। अब ब्लैक बॉडी क्या होगा, 4 वॉट पूरे का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इस केस में रेडिएशन छोड़ रहा होगा, नहीं छोड़ रहा होगा ब्लैक बॉडी, छोड़ रहा होगा है ना, क्योंकि रेडिएशन नहीं छोड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, छोड़ भी रहा होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम में है रूम्स के मान लो टेम्परेचर के साथ, तो ये रेडिएशन छोड़ भी रहा होगा, तो कितने छोड़ रहा होगा वो, कितने वाट, अगर रूम इसका टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में है रूम के साथ, तो कितने वाट का रेडिएशन छोड़ रहा होगा ये सर? 4 वाट। 4 वाट के छोड़ रहा होगा, 4 वाट। ये वाली बॉडी जो है ये 4 वाट एब्जॉर्ब कर रही है, सॉरी 4 वाट इस पे गिर रहा है, लेकिन ये एब्जॉर्ब क्या कर रही होगी, 4 वाट से कम कर रही होगी, तो ये जो रेडिएशन छोड़ेगी वो भी 4 वाट से कम होगी। yes, तो यानी जो गुड एब्जॉर्बर है वो yes, क्या बोलते हैं, गुड एमिटर भी है, है ना, इसने 3 वाट एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी इसने रिफ्लेक्ट कर दिया कुछ तो, और कुछ इसने ट्रांसमिट कर दिया, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसने 4 वाट लिया, 4 का 4 वो कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो गुड एब्जॉर्बर हैं वो गुड एमिटर भी हैं। ठीक है, एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर। ठीक है, बस ब्लैक बॉडी की प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो एमिशन आ रहा है वो तो ज़्यादा है, लेकिन वो रेंज जो आपकी आ रही है विजिबल रेंज में नहीं आ रहा होगा एमिशन, इसलिए आप उसे देख नहीं पा रहे, मैंने कहा आपको ब्लैक दिख रही है या ऐसा कुछ है, लेकिन ये एमिशन ज़्यादा कर रही है नॉर्मल बॉडी के मुकाबले। ठीक है, अब जो आपने पावर पढ़ी है उन पावर के कुछ रिलेशन है, तो एक किरचॉफ लॉ है इसमें, पहले किरचॉफ लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ लॉ आपका 12th में भी आएगा, करंट में यहाँ भी है, क्योंकि साइंटिस्ट तो बहुत सारे काम करते रहते हैं ना, तो ओहो क्या बन गया, तो किरचॉफ लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ लॉ कहता है कि जो बॉडी होती है कोई भी, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, ये कह रहा है इक्विलिब्रियम में नहीं भी है मान लो, वो कह रहा है कि जो रेशो है आपका इमिसिव पावर का, रेशो ऑफ इमिसिव पावर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर, यानी कि ई लैम्डा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं, बाय ए लैम्डा, ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशो क्या है सब बॉडी के लिए कांस्टेंट है, ठीक है, ये सब कांस्टेंट है एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, ऐसे नहीं कि आपने अलग अलग बॉडी का अलग अलग टेम्परेचर ले रखा है, एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये ऑलवेज कांस्टेंट है, और अगर मैं इसको ब्लैक बॉडी के लिए लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इक्वल टू ई लैम्डा बाय ए लैम्डा फॉर ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी का ए लैम्डा कितना होता है, 1 होता है एब्जॉर्प्टिव पावर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू ई लैम्डा, इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इसे ई लैम्डा, तो मैं लिख सकता हूँ कि ई लैम्डा बाय ए लैम्डा इक्वल टू इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है सब बॉडी के लिए कांस्टेंट है, एंड इट इज इक्वल टू द इमिसिव पावर फॉर दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ अ ब्लैक बॉडी। तो ये हमारा
जो है इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज अवर किरचॉफ लॉ इन दिस थिंग, ठीक है? तो ये क्लियर? तो इसलिए हम बोलते हैं तो इसलिए हम बोलते हैं जो गुड एमिटर होंगे वो गुड एब्जॉर्वर भी होंगे, क्योंकि रेशो कांस्टेंट है। तो अगर ई बढ़ेगा ऊपर तो नीचे वाला भी ए बढ़ना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा सॉरी। इसलिए हम बोलते हैं कि दिस इज कांस्टेंट या गुड एमिटर आर गुड सॉरी गुड एब्जॉर्वर आर गुड एमिटर, ठीक है? अच्छा, अब इसमें बाकी लॉ क्या है जो आपकी एनर्जी निकल रही है एक बॉडी से? अब देखो जो मेन लॉ जिनसे क्वेश्चन वगैरह बनते हैं आपके वो क्या है, वो है एक बॉडी जो रेडिएशन निकाल रही है, आपने देखा उसके एरिया पे डिपेंड करेगा, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा रेडिएशन। तो इसके लिए लॉ क्या है? इसके लिए लॉ ये है कि अगर आप एनर्जी निकालोगे ई विच इज पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, एरिया पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, दिस इज एनर्जी पर यूनिट एरिया, किसी बॉडी के जो पर यूनिट एरिया से एनर्जी निकल रही है विल बी इक्वल टू ये जो एक्चुअली डिपेंड करती है आपकी ई जो है प्रोपोर्शनल टू होती है टी की पावर फोर के, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसकी पावर फोर पे डिपेंड करती है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ज़्यादा रेडिएशन निकलेंगे, तो ई की जो वैल्यू आती है वो आती है सिग्मा टी की पावर फोर, वेयर सिग्मा इज स्टीफन्स कॉन्स्टेंट, सिग्मा इज स्टीफन्स कॉन्स्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है वो है 5.67 × 10⁻¹⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर फोर, ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि ये एनर्जी पर यूनिट एरिया थी तो, और पर यूनिट टाइम भी होगी है, तो ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है तो ये वॉट में आएगा, है ना, वॉट पर मीटर स्क्वायर में आएगा, और डिवाइड बाय टी की पावर फोर करोगे तो केल्विन स्क्वायर, तो इसकी जो यूनिट बनेगी वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर फोर, दिस इज नोन एज स्टीफन्स कांस्टेंट। ये हमने जो बात की है दिस इज फॉर द ब्लैक बॉडी, दिस इज फॉर द ब्लैक बॉडी, ठीक है? अगर ये ब्लैक बॉडी ना हो आपकी जनरल बॉडी हो, अगर ये ब्लैक बॉडी ना हो जनरल बॉडी हो तो सिर्फ एनर्जी कम निकलेगी, तो उस केस में यहाँ पे एक फैक्टर आ जाएगा जो आपने अभी निकाला था यहाँ पे इमिसिविटी, अभी आपने इमिसिविटी निकाला था ना यहाँ पीछे कहाँ गया, ये रेशो, तो ये आ जाएगा जो वन से कम आया था रेशो आपका, तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी फॉर अ जनरल बॉडी विच इज नॉट ब्लैक। ठीक है, इसमें क्या एनर्जी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी क्या है, ये है एनर्जी रेडिएटेड, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब जो बॉडी है क्या मैं इसको इसका एनर्जी लॉस बोल सकता हूँ कि इसका एनर्जी लॉस है? यस सर। या कोई और फैक्टर भी आएगा इसमें एनर्जी लॉस में? क्या ये गेन भी कर रही है एनर्जी साथ में? गेन भी करेगी क्योंकि बाहर से इस पे गिर भी रहा है यहाँ से वो एनर्जी, तो ये गेन भी कर रही है। तो अगर मैं एनर्जी लॉस की बात करूँ इसकी, तो एनर्जी इसमें जो गिर रहा है एक्चुअली वो भी जो आपका आएगा जिस पे एनर्जी गिर रहा होगा वो भी इसके एरिया वेरिया पे डिपेंड करेगा, है ना? और किस पे डिपेंड करेगा? सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टी नॉट कितना है इसका टेम्परेचर, मान लो टी है इसका टी नॉट है, तो टी नॉट जितना होगा उतना एनर्जी गिरेगी ज़्यादा। तो वो जो एनर्जी आपकी आती है वो आती है ब्लैक बॉडी के लिए अगर मैं लूँ या नॉर्मल बॉडी के लिए लूँ, तो वो आएगी एनर्जी आपकी जिस पे गिरेगी और वो होगा, उसके लिए अगर मैं ई डैश लिखूँ जिससे गेन कर रहा है एनर्जी गेन, वो आपका आएगा एप्सिलॉन सिग्मा टी नॉट की पावर फोर, एप्सिलॉन सिग्मा टी नॉट की पावर फोर, ये क्या एनर्जी गेन, ये क्या था एनर्जी लॉस या रेडिएटेड, ठीक है? तो टोटल लॉस कितना है इसका, यानी एनर्जी ये रेडिएटेड है आपकी, तो मैं अगर एनर्जी लॉस इसको बोलूं, एनर्जी लॉस जो मेरा हो रहा है इज इक्वल टू, वी कैन राइट जो आपने लॉस किया उसमें से जो गेन हुआ, तो मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर फोर माइनस टी नॉट की पावर फोर, दिस इज माई एनर्जी लॉस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम,
ठीक है, दिस इज द एनर्जी लॉस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये क्लियर है सबको? यस ओके। यहाँ पे जो टेम्परेचर है, दिस आर ऑल आर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैंने कैपिटल टी लिखा है तो टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट मतलब केल्विन स्केल में। यहाँ पे जो वैल्यू पुट करोगे सेल्सियस में दी होती है कई बार, लेकिन आपको उसको केल्विन में ही पुट करना है। ठीक है, केल्विन में ही पुट करना है उसे। अब सर इसका एक स्लीपन लॉ का स्पेशल केस बनता डेरिवेशन। है, ये क्या ये प्रूव करने के लिए, ये यस सर, यू इज इक्वल टू सिग्मा ए पी ए टू नहीं फोर। नहीं हमारे सिलेबस में तो नहीं है, ओके सर, हमें तो डायरेक्ट याद रखना होता है। हमारे में जो डेरिवेशन है वो उसके इससे एक ड्राइव होके निकलता है, उसको हम बोलते हैं न्यूटन लॉ, उसका डेरिवेशन है। स्टीफन लॉ का डेरिवेशन देखा आपने? आपने कहीं देखा डेरिवेशन? यस, सर एक कोई बार डाउट? किरचॉफ लॉ से दोबारा समझा दीजिए। किरचॉफ लॉ से, यानी यहां से, अच्छा यस सर। यहां से। किरचॉफ लॉ मैं कहता यार कि देखो, जो आपका आपने देखो यहाँ पीछे ये सब ई लैम्डा वगैरह निकाला था ना, इमिसिव पावर फॉर मोनोक्रोमेटिक दिस थिंग, और एब्जॉर्प्टिव पावर निकाला था। तो किरचॉफ लॉ ये बोलता है कि जो एब्जॉर्प्टिव पावर और इमिसिव पावर का जो रेशियो होता है हर बॉडी के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, कोई आप कोई भी बॉडी लो, और वो इक्वल होता है इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर तो वन आ जाएगी, तो ये तो आएगा नीचे कुछ फैक्टर। तो वी कैन राइट दैट ई बाई ए इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द बॉडी एंड इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। दिस इज अवर किरचॉफ लॉ। क्लियर हुआ? यस सर। स्टीफन लॉ क्या बोलता है कि आप जो एनर्जी रेडिएट करते हो, कोई बॉडी जो एनर्जी, अगर उसका टेम्परेचर टी है, कैपिटल टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो जो एनर्जी रेडिएट करती है वो करती है पर यूनिट एरिया, अगर मैं उसकी एनर्जी लूँ पर यूनिट टाइम, तो करती है सिग्मा टी की पावर 4। तो एनर्जी रेडिएटेड आपकी आती है एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4। ये है एनर्जी रेडिएटेड। ठीक है, अब ये तो रेडिएट किया, साथ में उसमें क्या होगा, जो रूम आपका रूम है वो रूम में कोई टेम्परेचर मान लो टी नॉट है सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो उससे रेडिएशन गिर भी रहे हैं इसके ऊपर, तो ये गेन भी करेगी एनर्जी। तो ये जो एनर्जी गेन करेगी वो करेगी एप्सिलॉन सिग्मा टी नॉट की पावर 4, ये इसका गेन है। तो अगर मैं टोटल लॉस निकालूं, इसका लॉस निकालूं तो क्या लिखूंगा मैं, ये एनर्जी लॉस था उसमें से गेन हो गया, तो मेरा लॉस जो आया एनर्जी का वो कितना आया, इतना आया। तो इतनी एनर्जी जो है बॉडी लॉस कर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर? से एक बार और बता दीजिए। स्टीफन कहां से? फ्लो स्टीफन लॉ में देखो दो चीजें हो रही हैं, एक तो बॉडी है कोई मान लो उसका टेम्परेचर टी है, तो ये क्या करेगी, एनर्जी रेडिएट करेगी बाहर की तरफ को। एक तो ये यस सर। प्रोसेस, ये प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें जो एनर्जी रेडिएटेड होगी वो इतनी होगी। ठीक है, और एक प्रोसेस हो रहा है कि एनर्जी गेन भी कर रही है, क्योंकि इस पे जो सराउंडिंग है वो टेम्परेचर, सॉरी सराउंडिंग जो है वो कुछ एनर्जी डाल रही है। तो इस केस में जब आप एनर्जी गेन निकालोगे, अब जो रेडिएशन इस पे गिर रहे होंगे वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे, यानी टी नॉट पे डिपेंड करेंगे। तो जो एनर्जी इस पे गिर रही होगी उसको हम लिखेंगे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जो एनर्जी गिर रही होगी उसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन सिग्मा टी नॉट की पावर 4। टी नॉट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर, टी जो है यस बॉडी का सर। टेम्परेचर। तो दो प्रोसेस हो रही है, गेन और लॉस, तो दोनों का डिफरेंस जो निकालोगे तो टोटल लॉस आ जाएगा आपका यहाँ से सॉल्व होके, कि लॉस आपका इतना होगा। क्लियर? यस सर। ओके, ये लॉस है। ठीक है, अगर केवल रेडिएटेड बोलेगा कि कितनी रेडिएट कर रहा है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर बोलेगा लॉस कितनी कर रहा है तो ये लगाएंगे। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, और ये जरूर ध्यान रखना है ये पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, अगर आपको पूरा एनर्जी निकालना है तो एरिया वगैरह और टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यस सर। अब इसमें ये पूछ लेता कई बार, मान लो ये टेम्परेचर है यहाँ पे, अगर मैं टेम्परेचर को डबल करूँ तो एनर्जी रेडिएटेड कितने टाइम्स हो जाएगी? सर
अगर मैं टेम्परेचर को डबल करूं, टी को टू टी कर दूं, तो एनर्जी जो रेडिएटेड है मेरी, ये ई, ये कितना टाइम्स हो जाएगी? सिक्सटीन पावर सिक्सटीन 4 है, तो 16 E हो जाएगी ये। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर कौन सा है ये? केल्विन स्केल का। वो कई बार सेल्सियस में बोल देगा आपको कि मैंने टेम्परेचर इतने से इतना कर दिया, तो आप डायरेक्ट मत कर देना वहाँ पे। वहाँ पे पहले 273 आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। आप देखोगे यार कि टेम्परेचर डबल कर दिया उसने या ऐसे कर दिया, तो हो गया मेरा काम। तो वहाँ पे टेम्परेचर आपको पहले केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद ये फॉर्मूले में लगाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, राइट। अच्छा ओके अब एक इसका स्पेशल केस होता है, किरचॉफ लॉ का स्पेशल केस है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ, सॉरी, किरचॉफ लॉ का नहीं, स्टीफन लॉ का स्पेशल केस है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है किसका स्पेशल केस है ये, तो ये स्पेशल केस ऑफ स्टीफन लॉ। कैसे स्पेशल केस है ये? इस केस में हम ये मान लेते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है। हम ये मान लेते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है टी नॉट, और जो टी है डिफरेंस इज वेरी लेस। ठीक है, डिफरेंस इज वेरी लेस। तो अगर आप ये मान लो कि डिफरेंस वेरी लेस है, तो हमें पता है कि हमारा जो आप ये मान सकते हो कि एनर्जी जो लॉस हो रहा है आपका, जो आ रहा था फॉर्मूले से, वो आ रहा था सिग्मा एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप एनर्जी लॉस हो रहा है आपका, टी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली टी नॉट से, तो आप मान सकते हो कि टी इज टी नॉट प्लस डेल्टा टी, वेयर दिस इज वेरी स्मॉल, है ना, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है, दिस इज वेरी स्मॉल। तो यू कैन राइट एनर्जी लॉस इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा की पावर 4, सॉरी टी नॉट प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 होल ब्रैकेट, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं टी नॉट कॉमन ले लूँ, तो यू विल गेट एप्सिलॉन सिग्मा टी नॉट, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो टी नॉट की पावर 4 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस डेल्टा टी बाय टी नॉट की पावर 4 माइनस 1, यही बचेगा। ओके अब अगर ये फैक्टर बहुत स्मॉल है, तो आई कैन यूज द बाइनोमियल एक्सपेंशन। हमने डिस्कस किया था ना प्लस बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके तो हम पावर को आगे कर लेंगे, तो 1 प्लस 4 डेल्टा टी बाय टी नॉट हो जाएगा, ये पावर आगे चली जाएगी -1, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा, सॉरी, एप्सिलॉन सिग्मा टी नॉट की पावर 4 तो कट जाएगा, टी नॉट की पावर 3 हो जाएगा, फिर 4 टाइम डेल्टा टी, राइट। यस इससे क्या आ रहा है आपका? इससे आपका ये आ रहा है, देखो इसमें ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये बॉडी की प्रॉपर्टी है ना, ये तो स्टीफन कांस्टेंट ही है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी हम कांस्टेंट मानते हैं। तो इससे क्या आ रहा है कि जो एनर्जी आपकी लॉस हो रही है, इट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी कि टी माइनस टी नॉट। तो जो एनर्जी लॉस है वो आपका सराउंडिंग के टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, इसको हम बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये जो है एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस है फॉर द स्टीफन्स लॉ, उसका स्पेशल केस है ये। क्लियर हुआ सबको? सर ओके तो अब देखो, अगर ये आ रहा है आपका एनर्जी लॉस इज प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग, तो अगर मैं किसी बॉडी के टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं, तो कैसे बनेगा बॉडी के टेम्परेचर का ग्राफ? अगर ये डिफरेंस कम है बहुत ज़्यादा, तो आपका एनर्जी का ग्राफ कुछ, टेम्परेचर का ग्राफ अगर मैं टाइम के साथ बनाऊं, तो जब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, डेल्टा टी है मान लो, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो एनर्जी लॉस भी ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे यस टेम्परेचर सर डिफरेंस कम होता जाएगा, एनर्जी लॉस कम होता जाएगा, तो ये आपका टेम्परेचर फिर पहले क्या होगा, पहले तेजी से घटेगा या बाद में तेजी से घटेगा? जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है पहले तेजी पहले से घटेगा, पहले, क्योंकि पहले उसमें रेडिएशन बहुत ज्यादा निकलेंगे जब उसका टेम्परेचर यस ज्यादा होगा। तो एक ग्राफ आपको अगर बनाओगे तो ऐसे बनेगा कुछ, और ये कहाँ पे जाके मिलेगा इससे, टाइम से?
वहां पे मिलेगा टाइम से जाके ग्राफ। इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे मिलेगा। देखो आपका पीछे से क्या रहा था, देखो आप आगे देखोगे ना, जब एनर्जी लॉस इक्वल प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट, तो वी कैन राइट दैट एनर्जी लॉस यानी डी क्यू बाई डी टी, ये एनर्जी लॉस हुआ इज इक्वल टू के टाइम टी माइनस टी नॉट। ठीक है, ये आपका कहां से आया, यहां से आया, न्यूटन लॉ से। वी कैन राइट दिस थिंग। अब यहाँ पे क्या है, ये पहले इनको इक्वेट कर लेते हैं, एक्चुअली ये लॉस है तो इसको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर इसको माइनस करना पड़ेगा इस साइड को, क्योंकि एक चीज प्लस आएगी एक माइनस आएगी, तो वी कैन राइट दिस थिंग एज माइनस। ठीक है, अब एक बॉडी के लिए जो एनर्जी लॉस होता है डी क्यू होता है, एनर्जी उससे जो निकलती है, मान लो उसका टेम्परेचर टी चेंज हुआ तो कितनी एनर्जी निकलेगी, उसका मास एम है मान लो, तो जो एनर्जी निकलेगी उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ डेल्टा थीटा लिख देता हूँ, ये लिख सकता हूँ, अभी हमने पढ़ाया था ना थोड़ी देर, अभी तो पढ़ा था ये, तो ये लिख देता हूँ मैं माइनस, नीचे आ जाएगा डी टी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, के टी माइनस टी नॉट, या थीटा माइनस थीटा नॉट लिख लो। तो इन्होंने अगर हमने टी माइनस टी नॉट यूज कर लिया है तो थीटा माइनस थीटा नॉट कर लेते हैं, ताकि ये टाइम और इसमें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन ये बनेगा। ठीक है, अब इसमें ये कॉन्स्टेंट है आपका मास ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंट, k is the constant, so we can make equation like this, dq d theta by theta minus theta naught equal to kt k dt minus ms, और मैं दोनों तरफ कर सकता हूँ अब इंटीग्रेट, दोनों तरफ मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन इंटीग्रेट द थिंग्स, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगा ऐसे, तो आपका जो थीटा है वो वेरी करेगा और ये भी वेरी करेगा, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा, एल एन थीटा माइनस थीटा नॉट आएगा, एल एन थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू माइनस एम एस तो है ही यहाँ पे, के डी टी या के टी आ जाएगा, जीरो से टी जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा, और इसका भी जो लिमिट होगा आपका, इसका भी जो लिमिट होगा वो थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, वी कैन राइट फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, थीटा वन से थीटा टू टाइम आपका जीरो से टी वेरी करेगा, तो के टी आ जाएगा इधर, जो आपको अभी लिखना पड़ेगा थीटा वन थीटा टू थीटा वन थीटा टू, तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट, अगर आप पुट करोगे माइनस एम एस भी था बाहर, इसको भी आप कॉन्स्टेंट ही मान सकते हो वैसे तो, है ना, अगर आप कॉन्स्टेंट वगैरह मान लोगे एम एस को, तो यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड दिस थिंग, तो वी कैन राइट दिस एज ln theta 2 minus theta naught minus ln theta 1 minus theta naught। अब आपको पता है ln a minus ln b का क्या होता है formula? a by b। ln a by b होता है। मैं इसको k dash मान लेता हूँ। मैं ms को भी यहाँ लिया है तो k मान लिया constant। तो ये हो जाएगा मेरा ln a by b, यानी कि theta 2 minus theta naught। इसमें माइनस प्लस का साइन मैंने ज़्यादा देखा नहीं है अभी, अगर माइनस प्लस का साइन आप देखोगे तो माइनस भी था यहाँ पे एक्चुअली, तो ये थीटा वन ऊपर आ जाएगा, माई थीटा नॉट डिवाइड बाय थीटा टू माइनस थीटा नॉट इक्वल टू के टी के डैश टी। तो ये मेरा फाइनली इक्वेशन बना न्यूटन लॉ से, फाइनली इक्वेशन बना मेरा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग तो एक्चुअली ये है कि ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है बस इतना, कि जो ये प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी लॉस इज प्रोपोर्शनल टू दिस, दिस इज माय न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, इसके लिए अगर किसी बॉडी के लिए ड्राइव करता हूँ तो मेरा फिर फाइनल इक्वेशन जो बनती है वो ये बनती है। ठीक है, लेकिन ये वैलिड कब है, जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग के साथ क्या हो, कम हो, तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन जब का टेम्परेचर डिफरेंस कम हो। क्लियर? ओके, तो दिस इज द थिंग फॉर द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो लेट अस फर्स्ट डू सम क्वेश्चंस अबाउट दिस। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आपका स्टीफन का एग्जांपल है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, और इसमें एक और लॉ है वो भी हम देख लेते हैं, छोटा सा लॉ है, उसे हम बोलते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ऑलरेडी ऐसे हमने भी ग्राफ देखा था पीछे, आपने जो एक ग्राफ बनाया था, मैंने कहा था आपको जब कोई बॉडी एनर्जी रेडिएट करेगी तो उसका ग्राफ जो बनेगा ई लैम्डा और
लैम्डा का वो कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है टी वन पे। अब मान लो टेम्परेचर बढ़ाओ इसका, अब आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ मान लो कुछ करो, तो क्या होगा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाया, देखो इसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है ना ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी आ रही है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस ग्राफ का एरिया क्या होगा, पहले एरिया बढ़ेगा घटेगा? अगर आप बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंक्रीज करूँ बॉडी का टेम्परेचर, तो एरिया घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा क्योंकि इसके एरिया से हमारी एनर्जी निकल रही है, तो एरिया बढ़ेगा, ठीक है। तो कुछ ग्राफ जो बनेगा आपका वो ऐसा कुछ बन जाता है। ठीक है, फिर अगर और बढ़ाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। इस केस में क्या होता है, जब आपकी मैक्सिमम जो वेवलेंथ आ रही है, पहले यहाँ पे आ रही थी मैक्सिमम, अब यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ पे आने लगेगी, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम है। ये जो वेवलेंथ आपकी आ रही है अलग अलग टेम्परेचर पे, ये आपकी घटती जा रही है। जब आपका टेम्परेचर कम था, यहाँ पे मैं टेम्परेचर ज़्यादा माना है, टी थ्री इज मोर देन टी टू मोर देन टी वन, जब आपकी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपकी जो वेवलेंथ है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम ये आना चाहिए, वो घट रहा है। ये लैम्डा वन था मान लो, ये लैम्डा, सॉरी, ये आपका लैम्डा वन था, ये आपका लैम्डा वन था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आ रहा था, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो लैम्डा टू ये हो गया, कम हो गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी आ रही है। फिर आपने और बढ़ाया तो और कम हो गया, लैम्डा थ्री आ गया। तो आपका जो है यहाँ पे लैम्डा उल्टा हो जाता है, यहाँ पे लैम्डा वन से घट जाता है, लैम्डा थ्री जो है कम आ जाता है, ठीक है। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, टेम्परेचर का और इस वेवलेंथ का, वो कॉन्स्टेंट होता है, वो कॉन्स्टेंट होता है। तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है हम इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा, स्टेटमेंट आप खुद देख लेना क्या है, लेकिन फॉर्मूला ये बोल रहा है कि इसकी जो लैम्डा मैक्सिमम की कॉरस्पॉन्डिंग आपका है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। अब वी कैन सी लैम्डा एम इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट, इज अ कॉन्स्टेंट, दिस इज नोन एज, इसको बी लिखते हैं, दिस इज नोन एज वीन्स कॉन्स्टेंट, वीन्स कॉन्स्टेंट। ये आपको वैल्यू याद रखनी है, कई बार पेपर में ऐसा आ चुका है कि वीन्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी नहीं, तो उसकी जो वैल्यू होती है 2.8 9 to 10 to power -3, और अगर आप इस साइड देखोगे तो ये मीटर केल्विन में आएगा, क्योंकि लैम्डा मीटर में होगा, ये केल्विन में होगा, तो वी कैन राइट दिस थिंग। तो वीन्स कांस्टेंट, अगर आप लैम्डा बढ़ाओगे, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो लैम्डा क्या होगा, घटेगा। क्लियर? यस सर। ओके, विबग्योर में किसका लैम्डा ज्यादा होता है, अगर हम विबग्योर बनाएं, वायलेट इंडिगो ब्लू रेड, लैम्डा रेड का, रेड 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 का ज्यादा होता है। ओके, और ब्लू का, ब्लू का कम होता है, कम। तो आप टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे एक बॉडी का, तो पहले वो रेड दिखेगी या ब्लू दिखेगी, या ब्लू बाद में दिखेगी, रेड पहले दिखेगी या रेड पहले या बाद में ब्लू? सर पहले रेड, फिर ब्लू। यस, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, वो घटनी चाहिए। yes. तो जब ज्यादा बॉडी अगर हीट हो जाएगी तो ब्लू दिखने लगेगी आपको। yes, sir. ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो अब इस पे बेस हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो बनते हैं प्रैक्टिकली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें अब देखना है कि इनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन बनते हैं आपके स्टीफन लॉ वगैरह के, इससे बेसिकली आपका जो आइडिया है वो एरिया वगैरह का आपको आइडिया होना चाहिए कि एरिया कैसे हम डील करेंगे। रेडिएशन निकल रहा है तो जैसे हमने देखा ना, हीट कंडक्शन आपका फ्लो कर रहा है, कल स्फीयर में देख रहे थे हम लोग, तो परपेंडिकुलरली फ्लो कर रहा था, तो 4πr² का एरिया आ रहा था। डिस्क में फ्लो करेगा तो कुछ और एरिया आएगा उसका, मैंने सिलेंडर में फ्लो करेगा तो कुछ और एरिया आएगा। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, उससे हमारे जो है क्वेश्चन वो होंगे, निकलेंगे। और बेसिक फंडामेंटल आपको बताई दिए इसमें, जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता मान लो सन है, सन से रेडिएशन निकल रहे हैं,
इसका टेम्परेचर टी है, कितना रेडिएशन निकलेंगे? ब्लैक बॉडी मान लो इसे, कितना रेडिएशन निकलेगा? कितना निकलेगा? स्टीफंस कांस्टेंट टी रेस्ट पावर 4, कितना निकलेगा? यस। अब इससे मान लो आर, इससे आर डिस्टेंस पे एक प्लेनेट है यहाँ पे, और इसका रेडियस अपना कैपिटल आर है, कैपिटल आर, ठीक है? तो बता सकते हो कि अच्छा, तो एनर्जी निकली इसकी, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, मैं इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अगर पूरी एनर्जी चाहिए मुझे तो सन से पूरी एनर्जी निकल रही है पर यूनिट टाइम, ठीक है? अब ये प्लेनेट जो है इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस कितना है? आर। तो आप बता सकते हो इस प्लेनेट पे कितनी एनर्जी गिरेगी? इस प्लेनेट पे कितनी एनर्जी गिरेगी पर यूनिट टाइम? इसमें कैसे फ्लो करेगा एनर्जी का? फ्लो ऐसा होगा ना, स्फेरिकली जैसे कल फ्लो कर रही थी हमारी एनर्जी, ऐसे फ्लो नहीं कर रही थी कल? तो पहले इस स्फीयर से पास होगी मान लो, फिर इस स्फीयर से पास होगी, तो एनर्जी तो सेम होगी, जो डी क्यू बाई डी टी तो सेम होगा। जब यहाँ पे पहुंचेगी तो अब कितना एरिया एनर्जी फैल जाएगी? इतना एरिया फैल जाएगी सन की एनर्जी। तो ये जो एनर्जी आपकी है ये इतने एरिया पे फैली हुई है, तो पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी होगी इस समय? अगर मैं इसका एरिया मान लूँ तो पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी होगी यहाँ पे जो फॉल करेगी इस सरफेस पे? एनर्जी कितनी फॉल कर रही है, टोटल एनर्जी कितनी फॉल कर रही है इस पर यूनिट टाइम? इतनी करेगी जितनी सन से निकल रही होगी, जो एनर्जी निकल रही होगी वो पहले यहां पहुंची फिर यहां पहुंची, ऐसे बाहर करते गई ना, पहले इस स्फीयर से पार करी फिर इस स्फीयर से पार करी, तो करते करते इस पे जो एनर्जी गिर रही होगी पर सेकंड में वो इतनी तो गिर रही होगी, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर, इतनी चाहिए। नो सर, इतनी गिरेगी, ठीक है? तो पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी गिरेगी इस पे? एनर्जी फॉलिंग मैं लिखना चाहता हूं, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट सिग्मा ए टी रेस्ट टू 4 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट? एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इस स्फीयर का जो एरिया होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, इस पे जो एनर्जी गिर रही होगी वो गिर रही होगी सिग्मा टी की पावर 4 ए, ए किसका है? सन का एरिया, डिवाइड बाय सन का एरिया का अगर देखा तो उसका रेडियस वो अलग चीज आएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, ये आई, ये होगा? यस सर। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो अब बता सकते हो इस प्लेनेट को कितना एनर्जी मिलेगा पर यूनिट टाइम? इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लेनेट को, इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके? पर इसका हाफ हाफ वाला तो उसके वहां पे है ना, अपोजिट साइड तो उसका हेमिस्फीयर को, तो कितना लेना चाहिए मुझे? 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, थोड़ा और सोचो, क्या पाई आर स्क्वायर? एनर्जी रिसीव्ड बाय प्लेनेट कितनी आएगी? एनर्जी रिसीव्ड बाय प्लेनेट इसके परपेंडिकुलर जो एनर्जी जा रही है उसके परपेंडिकुलर कितना एरिया है? पाई आर स्क्वायर है ना, एनर्जी जो जा रही है वो ऐसे जा रही है, और मेरा प्लेनेट ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर तो इतनी इतना मानूंगा ना मैं एरिया, ये एरिया इससे क्या फर्क पड़ रहा है कितना है? इससे फर्क पड़ रहा है क्या? इसको मैं ऐसे बनाऊं चाहे मैं ऐसे बनाऊं, एनर्जी तो इतनी गिरेगी जो ये आ रही है, एनर्जी तो हर किसी में सेम गिरेगी चाहे एरिया ऐसे हो चाहे ऐसे हो, तो मेरा जो एरिया होगा एक्चुअली कौन सा लूंगा, ये वाला एरिया लूंगा मैं परपेंडिकुलर वाला, तो ये कितना एरिया होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिसीव बाय द प्लेनेट आएगी वो आएगी सिग्मा टी की पावर 4 ए 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इसका रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ऑफ द प्लेनेट,
क्लियर हुआ? यस सर, यस सर, है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे थोड़ा सा ऐसे अभी देखेंगे डिस्क से, एक मिनट में कंप्लीट कर लूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, डिस्क से एनर्जी निकल रही है, डिस्क का एरिया लेना है। अब डिस्क के दोनों साइड से एनर्जी निकल रही है तो आप पाई आर स्क्वायर इंटू टू करोगे, ऐसा करना पड़ेगा। कहीं पे जो है क्यूब से निकल रही है तो वहाँ पे क्यूब का कुछ और करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे जो है आपका अगर डायमेंशन वगैरह का आइडिया है आपको तो आप कर सकते हो इजिली, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे अभी। यस, अब बताइए क्या डाउट है गौतम। सर 4πr² से डिवाइड क्यों किया था? 4πr² से डिवाइड क्यों किया था? क्योंकि देखो ये जो एनर्जी निकल रही थी सन की टोटल एनर्जी थी, यस। ये जब यहाँ पहुंची है एनर्जी जो कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, इतने एरिया में, यस सर। मान लो 1000 जूल एनर्जी निकली थी यहाँ से, तो 1000 जूल एनर्जी अब इसी एरिया में गिरी होगी जाके एक सेकेंड में। यस सर। तो ये अगर मैं पर यूनिट एरिया एक छोटे से एरिया में 1 मीटर एरिया में निकालना चाहूँ तो कितनी एनर्जी मिलेगी मुझे पर यूनिट एरिया? इसके एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 4πr² से, ओके सर। है ना। अगर यहाँ पे मैं लेता तो मेरे को कम आर लेना पड़ता, तो यहाँ पे जो पर यूनिट एरिया एनर्जी गिर रही होगी वो ज्यादा होगी ना, 2 पे ज्यादा होगी 1 पे ज्यादा होगी पर यूनिट एरिया एनर्जी? अगर मैं पर यूनिट एरिया एनर्जी निकालू 2 पे ज्यादा आएगी 1 पे ज्यादा आएगी? 2 पे। 2 पे, क्योंकि 2 वाला पास है तो यहाँ पे कम एरिया पे गिर रही है। सेम एनर्जी 1000 जूल है वो केवल इतने एरिया पे गिर रही है पर सेकेंड, तो पर यूनिट एरिया को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, यहाँ पर यूनिट एरिया को कम एनर्जी मिलेगी। क्लियर? यस सर। तो अगर मैं अर्थ और जुपिटर को कंपेयर करूं तो किसको ज्यादा एनर्जी मिल रही होगी पर यूनिट एरिया? अर्थ, है ना, क्योंकि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स ऐसा करके होता है ना, फिर जुपिटर का पीछे होता है, तो जुपिटर पीछे है तो उसको एनर्जी पर यूनिट एरिया कम मिल रही होगी, अर्थ को ज्यादा मिल रही होगी। और अगर मैं वीनस और अर्थ को कंपेयर करूं? वीनस, वीनस को ज्यादा मिल रही होगी, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि सन के कौन कितने करीब है। तो हमें जो एनर्जी मिल रही है वो हमारी जो है क्या नाम बोलते हैं, अप्रोप्रिएट है, ना तो बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है, ना तो बहुत ज़्यादा है ना वो बहुत कम है, तो उसको वो हमारे लिए बहुत सुटेबल है, ठीक है, ओके। उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, एक्चुअली उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, ठीक है। तो सोलर कांस्टेंट होता है जो एनर्जी पर यूनिट एरिया आपको मिलती है ना अर्थ के केस में, तो उसे बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। एनर्जी रिसीव्ड बाय, अगर ये अर्थ हो गया प्लेनेट हमारा, उसे बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। ये जो वैल्यू आती है आपकी, ये आती है 1388 वॉट पर मीटर स्क्वायर, हमें इतनी एनर्जी मिल रही है, ठीक है। इसी को हम कन्वर्ट करके सोलर सेल और बाकी चीजें जो कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं वो सारे इसी से हो रहे हैं, जो एनर्जी आ रही है पर यूनिट एरिया, ठीक है। क्लियर? तो इसमें एरिया का ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है कि एरिया आपका ओरिएंट किधर को रखा है। मान लो ये एरिया ऐसे स्लैब होती और ऐसा रेडिएशन आ रहा होता पूरा, तो आप पूरा एरिया लेते इसका। अगर मैं पूरा निकालता, अगर मान लो ये स्लैंट ऐसे हो जाता कुछ एंगल पे, आप क्या करूंगा? एरिया का प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा इतना, ठीक है। तो एंगल पे डिपेंड करेगा कितना टिल्ट हो रखा है, मान लो थीटा डिग्री टिल्ट हो रखा है, तो यहाँ पे जो एरिया अगर मान लो ए था तो इसका प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा यहाँ पे? a cos theta। तो मैं केवल इतना एरिया लूंगा क्योंकि मेरे को इसी से मतलब है भाई, एनर्जी उतनी गिरेगी इससे थोड़ी गिर जाएगी, तो मैं a cos theta लूंगा। जितना आपका टिल्ट बढ़ता जाएगा उतना आपका एनर्जी कम, उस पर गिरना कम होता जाएगा टोटल एनर्जी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये एक और सीटा जो आया है ये आपके आगे भी काम आएगा काफ़ी जगह पे, आगे भी जब आप कई जगह देखोगे तो ऐसे हमको करना पड़ेगा यहाँ पे, कि कोई चीज़ ऐसे आ रही होगी, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बाद में 12th क्लास में, और यहाँ तो आप देख ही रहे हो और भी कई जगह ऐसी चीज़ें आती हैं कि आपको एरिया परपेंडिकुलर लेना पड़ता है, कई जगह प्रेशर होता है ऐसे, फोर्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रेशर तो नहीं होगा पर कई जगह फोर्स ऐसे आता है, तो वहाँ पर आपको एक और सीटा लेना पड़ता है। आई होप ये सबको क्लियर हो रहा है कि एक और सीटा हमने क्यों लिया है, एक कॉस ही क्यों लिया है, साइन क्यों नहीं लिया है, सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? यस सर। अच्छा, तो इसके जो क्वेश्चन बनेंगे, मैं ये कह रहा था आप लोगों को, वो ऐसे ही बनेंगे कि उसमें आपको डायमेंशन वगैरह और थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला तो आप कर ही लोगे, सिग्मा टी की पावर 4 में तो कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को फॉर्मूला लगाने में, या वीन्स लॉ लगाना है तो लगा लोगे बस आप, लेकिन डिस्क विस्क ला के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेंगे क्वेश्चन को,
तो लेट अस सी कि इनके क्वेश्चन कैसे करने होते हैं. लेट अस स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चंस. तो ये हमारा दिस वाज ऑल अबाउट द रेडिएशन. ठीक है, तो रेडिएशन में यही हमारे बेसिक बेसिक कंसेप्ट हैं जिन पे बेस्ड हम सारा थ्योरी पढ़ते हैं. ठीक है, ओके, लेट अस डू सम क्वेश्चंस. ये कह रहा है टेम्परेचर ऑफ सन इज 5500 केल्विन. आई डोंट नो सरफेस का टेम्परेचर कहाँ का है. इट एमिट मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन. ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन करता है वो करता है येल्लो पे. तो इसका जो लैम्डा येल्लो है वो मैक्सिमम है और उसकी जो वैल्यू है वो है 5.5 × 10⁻⁷ मीटर. इस पर क्या करता है, मैक्सिमम रेडिएशन छोड़ता है. किस चीज़ का क्वेश्चन बन रहा है ये, किस चीज़ का क्वेश्चन है ये, वीन डिस्प्लेसमेंट का. वीन का, क्योंकि मैं मैक्सिमम डिस्प्लेस उसकी बात कर रहा हूँ रेडिएशन की, कि लैम्डा मैक्सिमम इस पे है. ओके, अब ये कह रहा है कि एक फर्नेस है, फर्नेस मैंने भट्टी जो आपके उसमें यूज होती हैं डिफरेंट गलाने में, लोहे को गलाने में बहुत जगह यूज होती है. तो एक फर्नेस है, उससे जो वेवलेंथ आ रही है लैम्डा मैक्सिमम वो आ रही है 11 × 10⁻⁷. तो ये बोल रहा है इस फर्नेस का टेम्परेचर कितना होगा. सिंपल क्वेश्चन है. तो इस फर्नेस का टेम्परेचर कितना होगा, टू सेवन फाइव जीरो. ओके 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 2750 4. हाँ यस करेक्ट, 2750 इज द आंसर. बाकी लोगों का निकला सर? यस सर, डन सर. डन, ये तो इजी है ना बहुत. लैम्डा एंटिटीज विल बी कांस्टेंट. लैम्डा 1 t1, ओके गुड. लैम्डा 2 t2, ये बराबर होंगे आपस में. तो यहाँ से आप t2 निकाल लोगे. ठीक है, तो सन का टेम्परेचर भी हो सकता है ऐसे एस्टिमेट करा गया हो, है ना भाई. आपको फर्नेस का तो आप मेजर कर सकते हो, या तो उल्टा करा हुआ है सन का दिया हुआ है वो फर्नेस का मांग रहे हैं. लेकिन एक्चुअली क्या होगा, फर्नेस का आपको मेजर कर सकते हो थर्मामीटर का यूज करके, और सन का आप लैम्डा मैक्सिमम निकाल लो, वैसे उसका टेम्परेचर एस्टिमेट कर सकते हो. तो सन का जो टेम्परेचर एस्टिमेट किया होगा वो ऐसी इनडायरेक्ट तरीके से किया गया होगा. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. आंसर क्या था इसका? 2750 केल्विन. ये आर आपका? यस ओके सर. ठीक है, यहाँ तो प्रोडक्ट था केवल यार, ये तो करी लोगे है ना सब लोग. तो कुछ अच्छा देखते हैं जो वो हो. पहले तो छोटे क्वेश्चन ही कर रहे हैं, फिर आएंगे बढ़िया क्वेश्चन पे. इसमें IIT वगैरह भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनाती है, बनाए हैं उन्होंने पास्ट में, कुछ देखेंगे उनके क्वेश्चन भी. ओके, इसमें ये बोल एक क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ अकर करती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम पे करती है, तो उसका टेम्परेचर बताओ कितना होगा. अब देखो यहाँ पे जो है लैम्डा 4000 दे रखा है, पूछ रहा है कि टेम्परेचर कितना होगा. तो यहाँ पे आपको फिर क्या करना पड़ेगा, बी की वैल्यू पता होनी चाहिए यहाँ पे. ठीक है, वैसे यूजुअली IIT में नहीं आता, IIT में बी की वैल्यू दी होती है जब आपका JEE का क्वेश्चन आएगा मेन एडवांस का, तो वहाँ तो नहीं पूछता ऐसी फालतू की चीज़ें. लेकिन कभी कभी छोटे मोटे कॉम्पिटिशन में आ जाता है ऐसे, जहाँ बी की वैल्यू पता नहीं होती, जहाँ बी की वैल्यू आपको दी नहीं होती, आपको याद करनी पड़ती है. ठीक है, तो ये कर लोगे क्वेश्चन ही तो? यस सर. यस सर, कर लोगे तो मैं करा नहीं रहा यहाँ पे, ये आप कर लोगे.
इसका मैं आंसर बताता हूँ आपको क्या आ रहा है. इसका आंसर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट टेंथ, इसका आंसर आ रहा है 7000 केल्विन. ठीक है, ये इसका आंसर है, तो देख लेना आप लोग. अगर नहीं आएगा तो देख लो. आ गया? यस सर. यस ओके, चलिए बढ़िया है, आगे चलते हैं फिर. तो अभी क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टार है, उसका टेम्परेचर टी है और इसका रेडियस आर है. दूसरा एक और स्टार है, इसका रेडियस 4R है बट टेम्परेचर इसका T/2 है. तो आपको बताना है रेशो ऑफ द पावर ऑफ टू स्टार, इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, इनका रेशो क्या होगा. वन ओके, यस वन इज द करेक्ट आंसर. बाकी लोगों का आया? यस सर, हो गया. नन ओके. तो पावर मतलब ये पूछ रहा है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो ये आपकी होती है सिग्मा, एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस बार आपको, क्योंकि पर यूनिट एरिया नहीं पूछा उसने, पर यूनिट टाइम पूछा है. तो ये टी की पावर 4, ये इसकी पावर होगी. तो दोनों केस में आपकी जो पावर आएगी, सिग्मा सेम मान सकते हो, दिया नहीं हुआ कुछ. तो एरिया एक केस में आएगा 4πr², P1 जो आएगा वो आ जाएगा सिग्मा 4πr² टी की पावर 4. दूसरे केस में P2 आ जाएगा सिग्मा 4π 4R², तो 4R का स्क्वायर लेकिन T^2 4. इनको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4π × 16R² T^4/16, तो ये कट जाएगा. तो ये 4π R² T^4. तो अगर इन दोनों कंपेयर करें हम लोग, यहाँ पे सिग्मा भी था, कंपेयर करें तो बोथ आर इक्वल, तो वी कैन से P1 = P2. ठीक है, ये तो सबको क्लियर होगा, इजी है तो. यस सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर इसका 1 था. इसका आंसर है 1:1. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये कह रहा है कि स्फीयर ऑफ टेम्परेचर, स्फीयर है, इसका टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 600 केल्विन, प्लेस्ड इन द एनवायरनमेंट, और उसका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है 200 केल्विन. ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका जो कूलिंग रेट है वो एच है, कूलिंग रेट इज एच. इसका क्वेश्चन है ये, कूलिंग रेट इसका एच है. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? नहीं, सोचो इसमें देखो. नहीं सर, उसका नियर टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है. ये तब होता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जब टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री 15 डिग्री हो. ठीक है, उसका क्वेश्चन नहीं बनेगा ये. अब ये कह रहा है टेम्परेचर रिड्यूसेस, इसका टेम्परेचर हमने घटा के कर दिया 400 केल्विन, सराउंडिंग का तो सेम ही रहेगा, तो कह रहा है कूलिंग रेट क्या होगा. अब कूलिंग रेट क्या होगा, ठीक है, तो न्यूटन लॉ कूलिंग का क्वेश्चन नहीं बनेगा. ठीक है,
इसको स्टीफन लॉ से ही करना पड़ेगा, स्टीफन लॉ का स्पेशल केस था ना कूलिंग, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन से ही करना पड़ेगा। देखो क्या आ रहा है, कूलिंग रेट एच की टर्म में निकालना पड़ेगा, क्या आंसर आता है। थ्री बाय एटीन नहीं, 3/18 तो नहीं है, 3/16H, 3/16 यस, 3/16H। देखो थोड़ा कहीं पे गलती कर दी होगी ना, आ गया 3/16 है, 3/16 आ गया, 3/18 आएगा तो 1/6 हो जाएगा, वैसे तो हुआ नहीं था, 3/16 है। बाकी लोगों ने कर लिया, चलो कर लो फटाफट से। स्वामी एग्जाम हो गया आप लोगों के स्कूल में? एग्जाम चल रहे हैं अभी। चल रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, घर पे आ रहे हैं पेपर, कैसे हो रहे हैं? नहीं ऑनलाइन ही होता है, मतलब ऑनलाइन ही इन्विटेशन करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं सर? ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, सब्जेक्टिव भी होते हैं। तो मैंने वो कैसे करते हैं, लिख के फिर उसकी फोटो भेजते हैं उस पे अटैच करके, ऐसा? यस सर ऐसे करते हैं, मतलब एग्जाम होता है फिर उसके अंदर अंडर 10 मिनट्स फोटो क्लिक करके भेजनी होती है। अच्छा अच्छा तो उसमें कोई कैमरा वैमरा ऑन करना होता है या मैंने कोई देख के लिख लिया किताब में से? तो नहीं सर, वेबकैम ऑन करके करना होता है। ओके कुछ स्कूलों में शायद वेबकैम भी ऑन नहीं कर रहे, वो लोग कह रहे हैं ऐसे कर लो। अरे हमारे भी ऐसा होता था, इस बार ही हुआ है। अच्छा कहाँ तक आया आपका टॉपिक फिजिक्स में? सर फिजिक्स में भी लास्ट टॉपिक यही चल रहा था, और फिर सब एग्जाम तो हो गया लेकिन लास्ट चैप्टर यही करवाया था। तो यहीं तक आया सिलेबस में? जैसे यहीं तक था। ठीक है, बाकी लोगों का आंसर आया? रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग जो होगा एक्चुअली, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग जो वैसे हम डिफाइन करते हैं वो हमारा होता है डेल्टा थीटा बाय डी टी, इसे रेट ऑफ कूलिंग बोलेंगे हम, है ना। अब आप देखो इस केस में रेट ऑफ कूलिंग जो होगा वो हीट लॉस पर डिपेंड करेगा, हीट लॉस कितनी हो रही है आपकी, सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ये हीट लॉस हो रहा है ना, पर यूनिट टाइम, एरिया पे मल्टीप्लाई कर लिया, पर यूनिट टाइम हो रहा है। ये किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा बाय डी टी, क्योंकि पर यूनिट टाइम है ये, ठीक है। तो मेरे रेट ऑफ कूलिंग है डेल्टा थीटा बाय डी टी,
अब इसमें दो केस बन रहे हैं, एक बार स्फीयर का टेम्परेचर 600 था और एक बार 400, आपने क्या चेंज किया, ये चेंज किया है। इसमें ये तो सेम है, मास ऑफ द स्फीयर तो एक ही स्फीयर है, इसमें मास तो चेंज किया नहीं, स्पेसिफिक हीट चेंज नहीं की, सिग्मा चेंज नहीं किया, एरिया चेंज नहीं किया, तो यू कैन राइट कि डी थीटा बाई डी टी जो होगा प्रोपोर्शनल टू टी फोर माइनस टी नॉट होगा, ये होगा। तो अगर मैं दोनों केस में रेट ऑफ कूलिंग लिखूं आर वन बाय आर टू, तो आई कैन राइट दैट आर वन जो है पहला केस था मान लो, तो मैं लिख सकता हूँ 600 की पावर 4 माइनस 200 की पावर 4, और अब क्या लिख सकता हूँ मैं 400 की पावर 4 माइनस 200 की पावर 4। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। यस सर। ठीक है, तो इसमें रेट ऑफ कूलिंग जो है वो एक्चुअली बेसिकली ये है। ये केस मैंने कब किया है, जब स्फीयर सेम है। कई बार वो बोलता है कि एक स्फीयर है उसका कुछ और कर दिया आपने, मैंने रेडियस डबल एक स्फीयर ले लिया मैंने, अभी देखेंगे उसको भी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 की पावर 4 कॉमन ले लो, तो ये आएगा 6 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, इसको सॉल्व कर लोगे है ना, ए माइनस बी ए प्लस जो भी लगाना है, ये मल्टीप्लाई कर लो जो भी करोगे, तो वहाँ सॉल्व हो जाएगा, कर लोगे इससे आगे तो। ठीक है, आप लोग कर लेना, लेकिन आप लोग मत छोड़ना, पेपर में होगा नहीं तो सवाल, यहाँ छोड़ोगे तो। चलिए, तो ये सबको क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर, लास्ट स्टेप बता दो एक बार। मैंने ये क्लियर है? यस सर। ये क्लियर हुआ? यस सर। इसको मैंने आर लिख दिया। अब आर वन क्या है, रेट ऑफ कूलिंग इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में मेरा टेम्परेचर कितना था, टी कितना था, टी मैंने स्फीयर का, टी नॉट मैंने सराउंडिंग का, स्फीयर का 600 था, सराउंडिंग का 200 था, तो मैंने लिखा 600 की पावर 4, मैंने 200 की पावर 4। सेकेंड केस में टेम्परेचर स्फीयर का कितना कर दिया मैंने, अब 400, सराउंडिंग का तो 200 ही रहेगा, तो मैंने लिखा 400 की पावर 4, मैंने 200 की पावर 4, बस। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, 10 टू पावर 2 को कॉमन ले लिया बाहर, तो कट ही जाएगा ऊपर नीचे, 10 टू पावर 8 आ जाएगा बाहर आके, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो कुल मिला के ये बनेगा आपका। क्लियर? ओके सर। ठीक है, तो ये केस मैंने आपको बताया कि सेम स्फीयर के लिए था। अगर स्फीयर का रेडियस वगैरह डबल वगैरह करता ना, अगर रेडियस मान लो डबल कर दिया, तो फिर क्या होगा आपका, ये मास में फर्क पड़ जाएगा, आपका मास जो होता है आपका फर्क पड़ जाएगा ना, 4πr³ हो जाएगा, तो आपका जो मास है वो 4/3πr³, तो रेडियस के क्यूब पर डिपेंड करेगा वो। अगर मान लो सेम स्फीयर है और आपने रेडियस वगैरह डबल कर लिया, तो फिर आपका ये एम भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएगा, और अगर स्फीयर आपने चेंज कर, और ये एरिया भी चेंज हो जाएगा, इनफैक्ट ये भी आपका चेंज हो जाएगा एरिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसमें, रेट ऑफ कूलिंग अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसमें फिर हमें ये चेंज करना पड़ेगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, सेम स्फीयर को आपने टेम्परेचर चेंज किया। ठीक है, तो कर लोगे, समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो गया ये सबको? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, दो स्फीयर को कंपेयर करने को बोल देता है, और तो उस पर स्पेसिफिक हीट पे भी डिपेंड करेगा, उसके मास पे भी डिपेंड करेगा, उसके एरिया पे भी डिपेंड करेगा, और सिग्मा तो कॉन्स्टेंट इस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? यस सर। ओके, ऐसे क्वेश्चन घुमाएगा आपको, कहीं कहीं पे एरिया चेंज कर देगा, कहीं वॉल्यूम कर देगा, कहीं बोलेगा मैंने स्फीयर को तोड़ के क्यूब बना दिया, स्फीयर को तोड़ के क्यूब बना दिया, तो क्यूब बना दोगे तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, उसमें एरिया आपका चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, है ना, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा, फिर डेंसिटी सेम रहेगी, वैसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो छोटे कंपटीशन होते हैं वहाँ पे ऐसे करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं कि वो ऐसे क्वेश्चन को घुमा देते हैं, जो आईआईटी वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग कंसेप्ट दो तीन कंसेप्ट को जोड़ देते हैं क्वेश्चन में, हाँ बस ये होता है, और कई बार आपकी ये भी चेंज कर देते हैं डायमेंशन वगैरह, जैसे वो क्वेश्चन हमने देखा था ना पीछे, जो सन वाला सन से रे निकल रही है प्लेनेट पे जा रही है, आई थिंक ये क्वेश्चन पहले आईआईटी में आया था सबसे पहले, तो वहाँ पे सबसे पहले गलती हो चुकी है क्योंकि उन्होंने 2πr² लिया होगा, थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं आपकी ध्यान रखने वाली। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। ये कहता है ब्लैक बॉडी एग्जिट मैक्सिमम रेडिएशन अराउंड वेवलेंथ लैम्डा, ये मैक्सिमम रेडिएशन देती है बॉडी अब लैम्डा नॉट पे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ाया, अब ये जो मैक्सिमम दे रही है कितने पे दे रही है, 3 लैम्डा नॉट
बाय 4 पे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं बताओ पावर रेडिएटेड बाय द बॉडी विल चेंज बाय द फैक्टर, ये बताना है हमें। पावर रेडिएटेड बाय द बॉडी विल इंक्रीज बाय द फैक्टर, विल नाउ इंक्रीज बाय, नाउ इंक्रीज बाय द फैक्टर, किस फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगा ऑफ, क्या आएगा? ऑप्शन भी लिख रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक बॉडी है ये मैक्सिमम रेडिएशन देती है लैम्डा नॉट पे, लैम्डा नॉट पे। अब आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीज, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये मैक्सिमम रेडिएशन कितने पे देती है, अब 3 लैम्डा नॉट बाय 4 पे चेंज हो गया इसका ये लैम्डा। तो कह रहा है कि पावर रेडिएटेड बाय द बॉडी विल नाउ इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ, कितने फैक्टर से इंक्रीज। ऑप्शन ए। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना सबको, अब डाउट तो नहीं है? ए आ रहा है, ए ए ए 256/81, यस। टू फिफ्टी सिक्स बाय 81 ए ऑप्शन। तो ये क्या है, दो क्वेश्चन को मिक्स करा हुआ है, वीन और स्टीफन, स्टीफन को मिक्स कर दिया उन्होंने इस बार कॉन्सेप्ट को। आ गया। तो पावर रेडिएटेड जो होगी, हाँ पावर रेडिएटेड होगी सिग्मा ए टी की पावर 4, तो दूसरे केस में ये हो जाएगी टी 2 की पावर 4, पहले केस में होगी सिग्मा ए टी की पावर 4, ये रेशियो आएगा सर। आके आगे ना, तो टी टू की पावर 4 बाय टी 1 की पावर 4। अब आपको स्टीफन लॉ से, सॉरी वीन्स लॉ से पता है कि ये टी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा होगा मैक्सिमम, देन इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू लैम्डा 1 की पावर 4 बाय लैम्डा 2 की पावर 4। तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का रेशो निकाल लो और उसको 4 पावर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो रेशो आ रहा है लैम्डा 1 वो है लैम्डा नॉट, लैम्डा 2 है 3/4, तो हो जाएगा 4/3, लैम्डा तो कट ही जाएंगे आपस में, तो 4 की पावर 4 बाय 3 की पावर 4, आई थिंक दिस इज आंसर ए, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का देखते हैं। इसमें थोड़ा सा, इसमें और ट्रिक आपको थोड़ा सा एक ट्रिक की रिक्वायरमेंट होगी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन करते हुए, तो अभी क्वेश्चन में देखते हैं क्या ट्रिक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अ बॉडी टेक 5 मिनट टू चेंज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 90 to 60। तो 5 मिनट में ये 90 से 60 डिग्री पहुंच जाती है, 90 से 60, और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग जो है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये कह रहा है कि 60 से 30 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 60 से 30 पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे, ज्यादा लगेगा कम लगेगा इससे? टाइम जो लगेगा ज्यादा लगेगा कम? भाई टेम्परेचर चेंज दोनों केस में 30 का हुआ है, दोनों केस में 30 का टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो टाइम कम लगेगा ज्यादा या सेम? सेम,
नहीं सेम ही लगेगा ना, क्योंकि जब आपके टेम्परेचर ज्यादा होता है तो बॉडी रेडिएट ज्यादा करती है, तो जल्दी जल्दी कूल होती है, यस सर यस, और बाद में धीरे धीरे कूल होती है, तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमें किससे करना है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कम दिया हुआ है हमें, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से ट्राई करो। बच्चा को ट्रिक बताते हैं, ट्रिक क्या लगेगी है ना, क्योंकि बच्चे फंस रहे होंगे कहीं। इसमें जो आपने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो 11 सेकेंड, 11 मिनट, यस 11 मिनट इज द आंसर। इसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, हमने पढ़ा है इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी ऑफ द बॉडी माइनस टी सराउंडिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग यही बोलता है कि प्रोपोर्शन होता है इसके, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि दोनों केस में ये वैल्यू तो 30 है, पहले केस में क्या आ जाएगी वैल्यू 90 माइनस 60 बाय 5 मिनट, अगले केस में लिखोगे आप 60 माइनस 30 बाय टी टाइम, है ना, इक्वल टू के, इधर भी किया आएगा टी ऑफ द बॉडी एंड टी ऑफ द सराउंडिंग। तो टी ऑफ द सराउंडिंग तो ठीक है 20 है, यहाँ भी 20 है, टी ऑफ द बॉडी क्या लिखेंगे इसमें, ये ट्रिक है बस। अगर ये आपने कर लिया तो के से के कट जाएगा, बाकी तो आपका सॉल्व हो ही जाएगा। ये 30/5 आएगा, ये 30 से 30 कट जाएगा, T/5 आ जाएगा ये। अब यहाँ पे बॉडी ऑफ टेम्परेचर क्या लिखूँ, बॉडी का टेम्परेचर 90 से 60 हो रहा है और यहाँ 30 से 60 से 30 हो रहा है। इस केस में हम क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर हम क्या करते हैं, एवरेज मान लेते हैं, एवरेज। तो हम 90 प्लस 60 का एवरेज मान लेंगे यहाँ पर। इनिशियल टेम्परेचर 90 था, बाद में 60 हो गया, तो एवरेज। ऐसे यहाँ पे 60 और 30 का एवरेज, बॉडी का टेम्परेचर मान लेंगे कि एवरेज है, सराउंडिंग का तो सेम है, तो डिफरेंस हम जो निकालेंगे बॉडी के एवरेज टेम्परेचर से सराउंडिंग के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है वो निकालेंगे। ठीक है, देखो सॉल्व करके क्या रहा है। इलेवन मिनट, ओके। तो ये आप कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, सबको आ गया 11 मिनट आ रहा है, समझ में आ गया क्या करना है इसमें, एवरेज क्यों लिया हमने। यस सर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, इसी का ही है, ये कह रहा है कि मेटल स्फीयर है एक, मेटल स्फीयर है, ये 62 से 50 होता है डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ पे हमने टेम्परेचर डिफरेंस लिया है, किसी को डाउट तो नहीं हो केल्विन में क्यों लिया, केल्विन में क्यों नहीं लिया, क्योंकि केल्विन में सेम आएगा, हमने डिग्री सेल्सियस में लिया है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। जब टी की पावर आएगी तब प्रॉब्लम आएगी, अभी टी की पावर नहीं है तो डिफरेंस तो सेम ही आएगा। तो ये कह रहा है कि 62 से 50 होता है आपका कितनी देर में, 10 मिनट में, और अगले 10 मिनट में ये 42 हो जाता है, ठीक है, 40 से ज़्यादा ही होगा,
10 तो नहीं गिरेगा ना, अगले 10 मिनट में 10 तो नहीं गिरेगा, इसका टेम्परेचर कम गिरेगा, ठीक है? तो पूछ रहा है कि टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग कितना होगा। डन। 32 डिग्री टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज कमिंग 32 डिग्री। एक मिनट में चेक कर लूं। समय 36 आ रहा है। नो, 36 ऑप्शन में है लेकिन आंसर 36 तो नहीं दे रखा। 32 भी नहीं है ऑप्शन में, 32 तो ऑप्शन में ही नहीं है। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 36 ऑप्शन में है और आंसर तो कुछ और दे रखा है। आंसर इज 26 लिखा है, मैं चेक कर लूँ एक बार। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का आंसर है 26 डिग्री सेल्सियस। ये 62 से 50 हुआ है और 50 से 62 है, ठीक है? 60 नहीं है, 62 ले आना अपने। और 50 से फिर 42 हुआ है, देखो कितना रहा है। सर 52। नहीं, 52 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नहीं तो टेम्परेचर 42 पे कैसे पहुंच जाएगा। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 52 होगा तो बॉडी का टेम्परेचर उससे नीचे जा ही नहीं सकता। आ गया सर 26। 26, 42 से तो कम ही आएगा ना, 42 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता। सर इसका 26 आ कंटिन्यू गया। आ गया, कैलकुलेशन सेम है इसकी, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें कोई। 10 मिनट का टाइम लगा उसे, तो डी थीटा बाय डी टी हो गए, तो क्या लिखोगे? डी थीटा बाय डी टी वही लिखोगे, सेम ए टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस। तो पहले केस में कितना हुआ है? डी थीटा 12 का हुआ है, कितने टाइम में हुआ है? 10 मिनट में। इक्वल टू के टाइम्स टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडीज का एवरेज लोगे, 62 और 50 का एवरेज कितना आएगा? 56 माइनस टी सराउंडिंग। अगले केस में टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया? 8 का। कितने देर में? 10 मिनट में ही, सेम टाइम में। इक्वल टू के टेम्परेचर का एवरेज कितना लोगे अब की बार? 8, 54 आएगा इस बार एवरेज, माइनस टी एस। ये क्वेश्चन बनिए दोनों, सर इनको सॉल्व कर लो, अब इनको सॉल्व कर लो, ठीक है? जिन लोगों का गलत आ रहा है वो एक बार देख लो क्या क्या गलती आ रही है, कहीं पे एवरेज गलत लिया होगा या कुछ और गलती की होगी। आ जाएगा आंसर सबका, yes. ओके? एक ना ये होमवर्क के लिए लिख लो क्वेश्चन, ये एक 54 आ रहा, 40 आ रहा है। 26, ये एवरेज। हाँ ओके, नीचे वाला जो एवरेज आएगा वो आपका 42 और 4 46 आएगा, तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 26 डिग्री सेल्सियस का आंसर निकाल लोगे तो इजी है। अब तो समझ गए होंगे न्यूटन लॉ कूलिंग कैसे यूज करना है। ओके, एक क्वेश्चन है ये कि घर के लिए मानो, ये एक्चुअल डेरिवेशन भी है कि मान लो जो आपका आइस, जब एक
पानी की लेक होती है और इसमें जब पानी जमता है तो मान लो टेम्परेचर यहाँ पे बाहर जो है थीटा नॉट हो गया माइनस थीटा, और यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, ठीक है। अंदर पानी का टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है और बाहर माइनस थीटा है, ठीक है। अभी आइस जमने शुरू होगी, कहाँ से जमती है, टॉप से बॉटम से? टॉप से से जमेगी। तो हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, पानी से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से पानी में? सराउंडिंग तो ये हीट लॉस करते जा रहा है और जमते जा रहा है, ठीक है। हीट लॉस करते जा रहा है, जमते जा रहा है ये, और इसकी लेटेंट हीट मान लो एल है, या पानी की जो जमने की हीट है, आइस की मान लो पानी की लेटेंट हीट इज एल, ठीक है। तो ये जमेगा जब डेंसिटीज की रो है मान लो पानी की, जब हीट ये फ्लो करेगी बाहर की तरफ को तो जमेगा, और पहले एक लेयर जमेगी, फिर दूसरी लेयर जमेगी, फिर तीसरी लेयर जमेगी, ऐसे करके जमता रहेगा ये, ठीक है। तो इसकी थिकनेस मान लो यहाँ पे भी टी मान लिया हमने, या वाई मान लिया, मान लो थिकनेस इज वाई, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि टी जो होगा, जो सॉरी इसका जो वाई होगा या थिकनेस होगा, वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। तो इसका जो रिलेशन आएगा एक्चुअली टाइम के साथ वो ये आएगा, टी इक्वल टू रो एल टू के थीटा, के इज द कंडक्टिविटी ऑफ द आइस, क्योंकि जो हीट फ्लो कर रही है किसके थ्रू पास कर रही है, आइस के थ्रू पास कर रही है, तो ये कंडक्टिविटी ऑफ द आइस होगी, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया सराउंडिंग का और इसका, है ना। और ये आपका डेंसिटी हो गया इसका, लेटेंट हीट हो गई। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये वाई टू का स्क्वायर माइनस वाई वन का स्क्वायर आएगा, वाई टू का स्क्वायर माइनस वाई वन का स्क्वायर आएगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें जो हीट लॉस आएगा उसको क्या करोगे, हीट लॉस को आपको फॉर्मूला, हीट लॉस के दो फॉर्मूले पता है, एक तो एम एल और एक पता है आपको यस के के ए डी थीटा बाय डी टी, डी एल सॉरी। इन दोनों को इक्वेट करना है आपको, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो वहां से आपका ये रिलेशन बनेगा, फिर उसे आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, वाई चेंज होता जाएगा टाइम के साथ, तो वाई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, टाइम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये रिलेशन बनेगा, ठीक है। इसको एक बार ट्राई करना, अगली क्लास में देखते हैं फिर, ठीक है। सर, ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑल, थैंक यू सर, वेलकम ऑल।